अलीगढ़ के अतरौली में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। मामला ये है कि बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया, अतरौली के मोहल्ला उमरावगंज की संपत्ति संख्या 189 चक संख्या 11 पर जो मकबरा बनाया गया है वो संपत्ति सरकारी है और इस मकबरे के निर्माण में केवल और केवल सरकारी संपत्ति पर बिना किसी पूर्व अनुमति के अवैध कब्जा है। पूर्व में भी इसके अवैध निर्माण कार्य का प्रयास हुआ है जिसे समय समय पर विरोध करके रुकवाया गया है। हमारे पुरखों व बड़े बुजुर्गों के माध्यम से ये जानकारी संज्ञान में आई है कि 90 के दशक में वर्षा से ये मकबरा ढह गया था तो वहां पर कालेश्वर महादेव मंदिर के अवशेष दिखाई दिए थे। केदार सिंह विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल विभाग संयोजक हरिगढ़, आज आपने जो ज्ञापन दिया है किस विषय में दिया है? ज्ञापन इस विषय में दिया है, हमारे यहाँ उमरावगंज में एक महाकालेश्वर मंदिर था पूर्व में, किसी विधर्मियों द्वारा उन्होंने काले सैयद का नाम लेके उसको वो बना रहे थे। हमने उसका विरोध किया, पहले भी बार बार हम उसका विरोध करते आए हैं, तो हमारी सरकार से ये मांग है कि तत्काल में ये काम रोका जाए और इसकी जाँच करके उन्हें जो चीज़ है वो निकाल के हमारे महाकालेश्वर मंदिर बनाया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।